पर बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। अजीज मोमिनीन, आज अब सब 22वें इतवार की इबादत के लिए खुदावंद की पाक हैकल में मौजूद हैं और आज की तलावतें हमें नसीहत करती हैं कि हम अपने आप को तब्दील करें और अपने आप को खुदा के जिंदा मुकद्दस और पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करें और इस दुनिया के मुआफिक ना बने बल्कि बातल की तजदीद से खुद इनकारी करें और खुदा की मर्जी और पसंदीदा जिंदगी गुजारें। ऐसी इबादत के शुरू में हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लाइक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दस मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से भी तमाश करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे, आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेकियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का आदरे मुतलिक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तुझे जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, तुझे जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर, तुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कुदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ
खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ मांगे। फैलश्तों के खुदा, हर अफजल चीज तेरी ही मलकियत है। अपने नाम की मोहब्बत हम में दिल नशीन कर दे और हमें दीनदारी की तरक्की अता कर, ताकि हम में नेकियों और खूबियों की परविश हो और वो तेरी खबरगिरी के साथ परविश पाकर महफूज भी रहें। मसीह खुदावन के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पहली तिलावत इल्मे नबी का सही पास का 20 बाब 7 से 9 याद कर। आज की सलावत में हम सुनते हैं कि खुदा का बंदा इल्मिया बताता है, खुदा के कलाम की आग हमारे दरमियान मौजूद है। ए खुदावन, तूने मुझे मुगालता दिया तो मैंने मुगालता खाया, तूने मेरे साथ इसरार किया और तू गालिब आया। मैं दिन भर बाई से तमस्कर हूँ और हर एक मेरी तोहीन करता है, क्योंकि जब भी मैं कलाम करता हूँ तो चिल्लाता हूँ। मैं जुल्म और गनीमत की पुकार करता हूँ तो खुदावंद का कलाम दिन भर मेरे लिए नंग और तमस्कर का बाइस होता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं इस पर फिर ना सोचूंगा और फिर उसके नाम से कलाम ना करूंगा, तो मेरे दिल में गोया जलती हुई आग आती है जो मेरी हड्डियों के अंदर पोशीदा है, और मैं उसको जब्त करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमाइती जवाब। ए खुदावन, मेरी जान तेरी प्यासी Ooh।
तुलसी फ्लावर मुकदस पॉलिसी का खत होने के नाम उसका बारवा बाप पहली जो आया आज की तुलसी फ्लावर की मुकदस पॉलिसी सुन फरमाते हैं कि खुदा की मर्जी को पूरा करना ही तुम्हारे लिए मकबूल इबादत है। ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे तमाश करता हूँ कि तुम अपने बदन खुदा के लिए एक जिंदा मुकद्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है और इस दुनिया के मुआफिक ना बनो बल्कि अपने बातन की तजदीद से अपनी सूरत तब्दील करते जाओ ताकि तुम खुदा की मर्जी का यानी नेकी और पसंदीदगी और कमाल का इम्तियाज कर सको। और कलाम के कहे और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज करने लगा और कहा, ऐ खुदावन तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक्या ना होगा। उसने फिर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। अंजीले जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफी जाएं। एक बादशाह था जो ना सिर्फ अपनी सल्तनत में
बल्कि दूसरी बहुत सारी बादशाहत में भी मशहूर था, लोग जानते थे, और उसकी मकबूलियत की वजह वो रहम दिल था, दया करने वाला और बेसहारों का सहारा बनने वाला। इसी मकबूलियत की वजह से लोग दूर दूर से उसके पास आते थे ताकि उससे मदद हासिल करें, उससे मदद हासिल कर सकें। ऐसे ही एक शख्स जो दूसरे ऐसे ही एक शख्स जो दूसरी सल्तनत से उसके पास आया, लेकिन इससे पहले कि वो दरबार में दाखिल होता, महल में दाखिल होता, जो गेट पर खड़े हुए सिपाही थे उन्होंने उसे रोका और उससे दरियाफ्त करना चाहा कि तू क्यों आया यहां। उसने बताया कि मैं बादशाह से मदद लेने के लिए आया हूं। तो सिपाही ने कहा कि जी मैं दो शर्तों से तुझे अंदर बादशाह के सामने पेश कर सकता हूं। उसने कहा कौन सी शरायत? कहते पहली शर्त कि तुझे अंदर जाने के लिए यहां 15 दिनार देने पड़ेंगे। 15 दिनार? उसने जैसे तैसे अपने जेब पोतलियों में से पैसे इकट्ठे किए और उससे पास 10 दिनार हुए। उसने कहा जी 15 दिनार तो नहीं मैं दे सकता, मेरे पास सारे कुल मिला के 10 दिनार है। उसने कहा चल ठीक है दे दे, वही दे दे। और दूसरी शर्त ये कि बादशाह से तू जो कुछ भी हासिल करेगा, तुझे बादशाह जो कुछ भी देगा उसका आधा हिस्सा मेरा है, 50% मेरा है। उसने कहा ठीक है जी दे दूंगा जो भी बादशाह से मुझे हासिल होगा। जैसे ही महल में दाखिल हुआ, दरबार लगा था, और वो पहले ऐसा नहीं था कि अकेला मदद के लिए आया था और बेशुमार से लोग थे। आखिरकार जब उसका नंबर आया, उसकी बारी आई, तो अपनी बारी पर उसने हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं आपसे मदद लेने के लिए आया हूं, इससे पहले कि मैं मदद आपसे हासिल करूं मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि मुझे 80 कोड़े लगाए जाएं। अब बादशाह ने जब ये सुना कि ये जो फरियादी आया है ये तो 80 कोड़े मांग रहा है, कई लोग ये सुनकर हंसने लगे, कई लोगों ने ताज्जुब की निगाह से देखा और कईयों ने सवालिया निगाह से कि क्यों ये 80 कोड़े मांगता है। बादशाह ने उन सारे बातों को खामोशी को तोड़ते हुए उससे कहा तू मुझे बता तूने क्या जुर्म किया है कि जो 80 कोड़ों की सजा तलब करता है। उसने कहा बादशाह सलामत मैंने कोई गुनाह या खता नहीं की है, लेकिन जब मैं आपके दरबार में आया इससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होता तो उसने सारी लोदास सुनाई कि बाहर खड़े हुए सिपाहियों ने मुझसे 15 दिनार मांगे और मैं 10 देकर अंदर आया हूं, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुझे बादशाह से मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमें देना है, तो इसलिए मैंने 80 कोड़े मांगे हैं ताकि 40 मैं खाऊं और 40 वो खाए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा क्यों तू मुझे उसकी शिकायत करता, उसकी कंप्लेन करता तो तुझे कुछ भी ना मिल, सजा ना मिल रही। उसने कहा क्योंकि मैंने बुरे का साथ दिया है, बुरे का साथ दिया है, उसने बुराई के लिए कदम बढ़ाया और मुझसे रिश्वत मांगना चाहिए, और मैंने अपना मतलब या अपना मकसद पूरा करने के लिए उसको रिश्वत दे दी, गो के उसकी मिकदार के मुताबिक नहीं अपनी अतात के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक उसको मैंने और रिश्वत दे दी, तो सजा का हकदार मैं भी हूं। बादशाह ने यह जब सुना और हैरान हुआ कि मेरी सल्तनत में, मेरे ही दरबार में, मेरे ही महल में ऐसा हो रहा है। उस सिपाही को बुलाया गया और उससे दरियाफ्त किया गया कि तूने इससे क्या पैसे मांगे थे। जैसे हम जब कोई गलती कर लें, हमसे कोई जब मिस्टेक हो जाए और हमसे जब पूछा जाए कि तू एंड किता है
ते कि असी आसानी ना कहना जी हमारा कीता है मास्टर जी, नहीं ना, क्या करते हैं साफ चिट्टा इनकार, नहीं जी नहीं साढ़े तो अच्छा मुकद्दस ते पाक है कोई नहीं। और ऐसा ही उसने किया, नहीं नहीं बादशाह सलाम जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके महल दरबार में होते हुए। आखिरकार कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने हाथ उठाया और गवाही देने के बाद, शहादत देने के बाद फैसला हो गया सिपाही ने ये किया है। तो फिर जो 80 कोड़े उसने मांगे थे वो जो आधे आधे मिलने थे वो पूरे के पूरे उसे मिल गए, पूरे के पूरे उसे मिल गए। मसीह में मेरे जीज भाइयों बहनों, इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी होता है, हम भी इस खुदा की सल्तनत में, खुदा की इस कायनात में, इस दुनिया में एक खास रुतबा या एक खास फजल देकर भेजे गए। और वो रुतबा क्या, कि हम इंसान हैं, और इंसान होने के साथ साथ हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और हम भी अपना मतलब निकालने के लिए हर वो काम और हर वो अमल करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा, चाहे वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं, चाहे उससे दूसरों का नुकसान होता है या नहीं, हम उसकी परवाह किए बिना अपनी मर्जी, अपना फायदा या अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पालूस रसूल वाजिया तौर पर कहता है कि अपने बदन बतौर जिंदा कुर्बानी पेश किए जाए, जिंदा कुर्बानी। और हमारे लिए जिंदा कुर्बानी का मतलब क्या है, हम सब जो अपने अपने घरों से खुदा के घर में आए हैं ताकि उस जिंदा कुर्बानी में शरीक हो। और जिंदा कुर्बानी क्या, पाक यूक्रिस की कुर्बानी में हम शामिल होते हैं, पाक मास में शरीक होते हैं, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हासिल कर सकें। लेकिन जब भी कुर्बानी का तस्करा आता है तो हमारे जहनों में सबसे पहले ईमानी तौर पर, सबसे पहले हमारे जहनों में ईमानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी आती है कि उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। और उसकी सलीब पर जान कुर्बान करने से पहले खुदा ने कुर्बानी दी कि अपने बेटे को सब कुछ जानते हुए कि वो इस दुनिया में किस तरह की जिल्लत और मौत बर्दाश्त करेगा, वो कुर्बानी देता है कि अपने बेटे को इस दुनिया में इंसान होकर के भेजता है। मुकस्सा मां मरियम सब कुछ जानते हुए कि उसकी जान से तलवार गुजर जाएगी, बचपन से लेकर जवानी तक यीशु मसीह की परवरिश करती है। और उसे पता है, इल्म है कि खुदा ने उसे जिस मकसद के लिए चुना है वो उस मकसद में शरीक होती है और अपने जवान बेटे की कुर्बानी बर्दाश्त करेगी। और ये उसके लिए कुर्बानी थी, ये मुकद्दसा मां मरियम के लिए कुर्बानी थी। और बेटा भी वही कुर्बानी देता है और बेटा भी उस कुर्बानी को खुश असलूबी के साथ बड़ी खुश सलूबी के साथ, ईमान के साथ और वफादारी के साथ कबूल करता है और अपनी जान कुर्बान करता है। इसलिए कहते हैं कि मसीहत की बुनियाद या आगाज शहीदों का खून है। और कुछ कहते हैं कि मसीहत का दूसरा मतलब भी कुर्बानी देना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जड़ावाला में मसीहों को जुल्म का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में कई बार ऐसे वाकयात हुए, इंफरादी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, और इज्तमाई तौर पर पूरे के पूरे इलाकों को भी जुल्म का निशाना बनाया गया।
और मसीही कुर्बानी देते हैं लेकिन मसीहत को छोड़ते नहीं हैं, मसीहत से दूर नहीं भागते। घर जलाने हैं तो जला दो, लेकिन हम अपने ईमान से मुनकिर नहीं होंगे, दूर नहीं भागेंगे। ये हमारी कुर्बानी है और यही हमारा खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर करना है। और जब हम कुर्बानी देते हैं, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, वो खुदा के जलाल का जरिया बनता है। पहली बार था किसी मासूम को, किसी बेगुनाह को सलीब चढ़ाया गया। उससे पहले जिनको सलीब चढ़ाया जाता रहा वो गुनेगार थे, जालिम थे, चोर थे, माशरे के गुनेगार थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, उस सलीब को कबूल किया, अपनी जान कुर्बान की, तो उससे खुदा का जलाल जाहिर हुआ। जिनके लिए वो जिल्लत का निशान था, हमारे लिए वो ईमान का निशान बन गई, जिंदगी का निशान बन गई और खुदा के जलाल का। इसलिए कुर्बानी जब हम देते हैं तो खुदा के जलाल का जरिया और वसीला बनते हैं। इसलिए खुदावन यीशु मसीह उस कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार करता है, ना सिर्फ अपने आप को तैयार करता है बल्कि वो उस कुर्बानी के लिए अपने साथियों को भी, रसूलों को भी तैयार करता है, साथियों को भी और रसूलों को भी तैयार करता है। और तैयारी के लिए क्या कहता है आज के जिले मुकद्दस? ऐसा नहीं कि पहली बार खुदावन यीशु मसीह ने रसूलों को अपनी मौत की बाबत बताया हो। आपको याद होगा कुछ ही इतवार पहले कि जब खुदावन यीशु मसीह पहाड़ पर गया और उसकी सूरत बदल गई, याद है वो वाक्या? और जब सूरत बदल गई तो कौन कौन उससे मिलने के लिए आया था? मूसा और इलियास उससे मिलने के लिए आए। शाब जब वो उससे मिलने के लिए गए तो रसूलों ने क्या कहा? हम यहां तीन डेरे बनाए, किस किस के लिए? पहले यीशु के लिए, फिर मूसा और इलियास के लिए। उसके बाद से खुदावंद यीशु मसीह, हमने जो भी इतवारों में तलावतें सुनी उसके बाद की तलावतों में से, यीशु मसीह गाहे बगाए रसूलों को तैयार करता है कि वो किस तरह की मौत बर्दाश्त करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब चीजें। जैसे आज के जिले मुकद्दस में वो कहता है कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और बुजुर्गों, सरदार कहिनों, फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और कत्ल किया जाऊंगा, मरने की खबर देता है। और जब वो मरने की खबर देता है तो उस वक्त क्या होता है, क्या होता है उस वक्त, जरा गौर करें। आप अपने घर में, वालदैन अपने बच्चों में से और बहन भाइयों में से, अगर हमारा कोई घर का मेंबर यह कह दे कि मैं मरण वाला हो गया हूं, मैं मर जाना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? हैं? खुदा ना करे। शाबाश, एक तो ये जुमला अदा होता है और दूसरा पसीना भी छूट जा, डर लगता है और हम डांटते भी हैं उसको, तू ऐसे अल्फाज क्यों मुंह से निकाल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? अब क्योंकि ये हमारे घर के करीबी मेंबर है, कभी कभी हम उसे डांटते हुए मारते भी हैं, बड़े थप्पड़ भी हल्का सा ठोक देते, तू क्यों ऐसी बात कर रहा है या कर रही है? ये ऐसा करने से हरगिज नहीं कि हम नफरत जाहिर कर रहे हैं, ऐसा करके हम क्या जाहिर कर रहे हैं, हम उससे अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तू मरे हमारी आंखों के सामने या कान ऐसी बात या सुनने ही ना, हम तैयारी नहीं है इसके लिए। ये घर के रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं कि जो हम अपने घर में अदा करते रहते हैं और डांट कर रोक देते हैं, डांट कर रोक देते हैं। ये तैयारी का अमल था जो यीशु मसीह कर रहा है। जैसे कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, वो पांच साल तक हेपेटाइटिस का पेशेंट रहा और गाहे बगाहे दवाइयां
और मेडिसिन और नए नए डॉक्टरों के साथ उसका विजिट होता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी का जो आखिरी महीना था उसने सीएमएच हॉस्पिटल में गुजारा। सीएमएच हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो गाहे पगाहे आखिरी महीने में डॉक्टर हमें गाहे पगाहे आगाही देने लग गए कि नहीं जी बस अब ये इसका थोड़ा ही वक्त रह गया। जब इन सारी बातों को जब डॉक्टर हमें बताने लगे कि जी मर्ज आखिरी स्टेज पर चला गया है, हकीकत में वो हमें मेंटली तैयार कर रहे थे, हमें ये बावर कराना चाह रहे थे कि बस इसकी जिंदगी थोड़ी है, बस ये किसी भी वक्त कूच करेगा, इंतकाल कर जाएगा। अब क्योंकि मेरा बड़ा भाई ननियाल में से बहनों के बच्चों में से पहला बेटा था, और दरदयाल में से भाइयों के बच्चों में से यानी मेरे ताया चाचाओं में से वो पहला बेटा था। तो जब पहला बेटा होने का रुतबा ननियाल में भी मिल गया, दरदयाल में भी, तो वो दोनों की तरफ से मोहब्बत का या प्यार इकट्ठा करता रहता था। तो सबके लिए बड़ी दुख की बात थी, जो आसानी से कबूल कर सके उन्हें कम दर्द महसूस हुआ जब तैयारी कर ली, और जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए तकलीफ और दर्द कुछ ज्यादा ही था। अब ये तैयारी जब हम कर लेते हैं तो हमें वो आने वाले वक्त पर जो दर्द तकलीफ मिलता वो कम होता। अब यीशु मसीह भी उसी दर्द और तकलीफ से बचाने के लिए अपने रसूलों को तैयार कर रहा था। अब पतरस ने क्या कहा, क्योंकि पतरस का उस्ताद था, रूहानी रहनुमा था, रबी था, तो जब उसे वो कहता है, लिखा है कि वो यीशु को पतरस अलग ले जाकर एतराज करने लगा, जैसे हम भी गिला करते हैं, क्यों तूने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला, खुदा ना करे ऐसा हो। तो पतरस भी इतराज करता है यीशु के साथ, और क्या अल्फाज अता करता है, ए खुदावन तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाकया ना हो। जब वो अपने कत्ल किए जाने की या मौत की बात करता है तो पहली तो बात कहता है कि तेरी सलामती हो, जैसे हम कहते हैं खुदा ना करे, उसने कहा तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाकया ना होगा। अब ये बातें थी कि जो वो यीशु के बारे में ख्याल रखता है और उसकी मौत का सुनकर नहीं चाहता कि मौत वाकया, जैसे हम अपने घर में करते हैं, अजीज रिश्तेदारों के लिए, घर के मेंबरान के लिए, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, ये अल्फाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा ही वहां भी था। यहां तक तो यीशु मसीह की तैयारी और मौत का तज़किरा था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस से दोबारा मुखातिब होता है, दोबारा बातचीत करता है, तो याद रखें कि जब भी हम कोई खुदा का काम करते हैं, खुदा के प्लान के मुताबिक, खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले शैतान आकर रुकावट बनता है, शैतान आकर रुकावट बनता है। और जब हम ये कहते हैं कि शैतान आकर रुकावट बनता है, तो हमें उसे पहचानने की जरूरत है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है कि वो शैतान किस तरह से आता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जुमला अदा किया, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। क्या पतरस शैतान था? क्या नहीं? ये वही पतरस है जिसे यीशु मसीह ने कैसा कहा, ये वही पतरस है जो कलीसिया के लिए चट्टान बना, ये वही पतरस है जो कलीसिया में पहला पोप बना, यानी यीशु के बाद कलीसिया का सरबरा, हदायत और रहनुमाई करना, ईमान की मजबूती का जरिया बनने वाला, ये वही पतरस था। लेकिन उसे खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब जब शैतान, जब हम खुदा का काम करना शुरू करते हैं, खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं या कोई बात करते हैं, तो शैतान किसी भी सूरत में आता है। जैसे आज आप सब खुदा के घर में आए हैं, खुदा के घर में आए ताकि पाक कुर्बानी में शरीक हो, खुदा का कलाम सुने और पैगाम सुनकर दुआ कर सके।
अब अक्सर कात होता क्या है, आज भी होता है और बार बार होता है कि हमारे साथ बैठने वाले दोस्त, सहेली, घर के मेंबरान, ग्रुप्स के मेंबरान जब हमारे साथ बैठे होते हैं, हम कलाम की बात कर रहे हैं, कलाम की बात कर रहे हैं, दुआ की बात कर रहे हैं, पाक यूक्रिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कानों में कोई और ही बात करते हैं, उधर देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, हाँ घर की बातें लेकर बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, ये दो लोग, एक जो कलाम सुन रहा है बरकत हासिल कर रहा है, लेकिन दूसरा उसे खुदा की राह में आने से रोक रहा है, यानी खुदा का कलाम सुनने से रोक रहा है। तो उस वक्त जुर्रत करना, उस वक्त जुर्रत करना दूसरे शख्स को भी शैतान से बचा देता है। अगर हम उस वक्त यह कह दें, ना सिर्फ गिरजाघर की बात कर रहा हूं, घर में भी, मोहल्ले में भी, दोस्तों में भी, कंपनी में भी, काम करने वाली जगह में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, फैक्ट्रीज में भी, हर जगह आपको जायज और नाजायज के दरमियान, अच्छे और बुरे के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान फैसला करना है। और उस वक्त कहना, जो गलत तंबीह कर रहा है, गलत राह दिखा रहा है, उसे कहना ऐ शैतान दूर हो। इसके लिए जुर्रत की जरूरत है, इसके लिए जुर्रत की जरूरत है कि जो मेरा करीबी दोस्त है, सहेली है, हो सकता है मेरा इंचार्ज ही हो सकता है मेरा इंचार्ज ही हो, कलाम हो रहा है और इंचार्ज कह रहा है एला फड़ ए गीत गाने, इंचार्ज कह रहा है रुक जा कारी ग्रुप, ये मुनाजात तेरी है। उस वक्त कहना कि ऐ शैतान दूर हो, मैनू कलाम सुनन दे, ऐ शैतान दूर हो, मुझे पैगाम सुनने दे, क्योंकि ये कलाम और पैगाम मेरी जिंदगी से खत्म नहीं होगा, ये कलाम और पैगाम ही मुझे खुदा की कुर्बत और खुदा के जलाल तक लेकर जाएगा, ये कलाम और पैगाम ही मुझे एक अच्छा शागिर्द बनाएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है आज की इंजील मुकद्दस में कि जो मेरा शागिर्द बनना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, खुद इनकारी करे और मेरे पीछे हो ले। आप में से कौन खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता है? जिस किसी ने हाथ उठाया है, याद रखें 1000% और उससे भी कहीं ज्यादा एक हकीकत और सच्चाई की बात, आप सब जो शागिर्द बनने के लिए हाथ उठा रहे हैं, आप उसके शागिर्द हैं, आप उसके रसूल हैं। बनने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही हो गए, क्योंकि बपतिस्मा के वक्त जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं, बपतिस्मा के साथ ही हम उसके शागिर्द बन जाते हैं, बादशाह बनते हैं, नबी बनते हैं, कहीन बनते हैं, और एक रसूल यही काम करता है। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, रसूल की मानित पैगाम देने वाले। सिर्फ जरूरत क्या है, उस शागिर्दियत को, उस रसूल बनने की ताकत को, फर्ज को अदा करना है, फर्ज को अदा करना है। और जब वो कहता है कि अपनी सलीब उठाओ, खुद इनकारी करो और मेरे पीछे हो लो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमारी जिंदगी में खुदा और मेरे दरमियान, इसी तरह आपने कहना है सब मिलकर के, खुदा और मेरे दरमियान, अब जो भी चीजें, जो भी बातें, जो भी काम, जो भी अमल, जो रुकावट बनते हैं, वो मेरी सलीब है। जैसे झूठ बोलने की कई लोगों को आदत होती है, मैं एक छोटे पैमाने की बात कर रहा हूं, आपको अपनी जिंदगी में खुद जांचना और पड़ताल करना है, अपने आप को खुद परखना है कि मेरी जिंदगी में सलीब क्या हो सकती है। जैसे झूठ बोलना, झूठ से हम थोड़ा सा फायदा तो हासिल करते हैं, लेकिन हकीकत में खुदा के जलाल में शामिल होने की रुकावट पैदा हो जाती है, तो फिर वो सलीब बन गई है। अपनी सलीब उठाना,
खुद इनकारी करना, हकीर बनाना। मिसाल के तौर पर मैं झूठ बोलता हूं मास्टर जी के साथ, तो मुझ में इतनी खुद इनकारी इंसारी आ जाए, खुद इनकारी कर सकूं कि अगले ही लम्हे अगले ही दिन मास्टर जी को कहूं मास्टर जी कल मैंने झूठ बोला था, मैं माजर चाहता हूं। अपने आप को वकील और आजिज बनाना ये है, खुद इनकारी करना ये है। जैसे कोई भी चीज जो हमारे बदन को पामाल करती है, क्योंकि तो बदन तो रूप तो उसकी हैकल है ना, और जो हमारे बदन को पामाल करती है उन चीजों और बातों से अपने आप को दूर करना, उन चीजों और बातों से अपने आप को दूर करना। मैंने कहा चीजों और बातों से, और बात जो हमारे कामों में शामिल हो जाते हैं, हम कहते हैं और फिर करते हैं, हम कहते हैं और फिर करते हैं, वो काम बन जाते हैं। लेकिन जो चीजें हम खाते हैं, जैसे गुटखा, ओ सॉरी मैं माजरा चाहता हूं, गुटखा नहीं, चॉकलेट जो हम खाते हैं, चॉकलेट जो खाते हैं उनके लिए वो चॉकलेट से भी बढ़कर है। याद रखें कि वो आपके बदन को तबाह करते हैं। तो फिर वो सलीब बन गई कि हां अगर मैं दिन में दो बार खाता हूं, इंज होता नहीं कोई दो बार खाए, 200 बार कमा तक मानिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। अब वो सलीब है मेरी, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं झूठ बोलना, मैंने नहीं लालच करना, मैंने नहीं धोखा देना, मैंने हर उस काम और अमल से अपने आप को हल्का करना है, तो सलीब है मेरी वो। और जैसे जैसे हम उठाते जाएंगे सलीब, खुद इनकारी करेंगे कि हां मैं नहीं करूंगा, नहीं होगा, तो वो हमारे लिए निजात की तरफ बनेगा। फिर हम सच्चे और अच्छे शागिर्द बन सकते हैं, फिर हम खुद इनकारी करते हुए खुदा के जलाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब कभी हम ना कर पाए, और जब कभी, क्योंकि मैंने देखा है ये कि अगर एक कोई अच्छा बनना चाहे ना, चॉकलेट छोड़ दे खाना तो दोस्त नहीं छोड़न देंगे, कि नहीं, कि नहीं, तो आनू नहीं पूछ रहा, बाहर आने आनू पूछ रहा, ठीक है। तो क्या मैं बताना चाहता हूं, तो फिर वहां कहना ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि मैंने यस्सु की मानिंद अपनी सलीब उठाई हुई है, मैं यस्सु के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मैं ये अमल नहीं करूंगा। फिर हम उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां होने का फर्ज अदा कर सकते हैं। फिर जो हमने हाथ उठाया जी मैं रसूल बनना चाहता हूं, रसूल तो हम पहले से ही बन गए, अब उस रसूल होने का हक अदा करने का वक्त है। मेरी दुआ है कि कुदूस बाप हम सबको ये जुर्रत ईमान की मजबूती अदा करे कि हम भी यस्सु की मानित कह सकें कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो। हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का किदा, मैं ईमान रखता हूँ अकादम के बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा और आई मारी से पैदा हुआ, उसने 35 बल से उसके आयत में दुख उठाए, दफन किया गया और तीसरे बाप के घर में वहाँ से जिंदा होने का किरदार हम सब मिलकर खुदावन के हुजूर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करें। आज के दिन दुआ करते हैं नैना शरीफ के लिए, रुखसाना सदीक के लिए, कि प्यारा खुदावन खुदा इन दोनों बेटे को उम्र के दराज अता करें जो अपने जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं, और खुदावन खुदा जिंदगी में बहुत से फजाइल से माला माल करें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज के दिन उन तमाम मोमिनीन के लिए जो शहर के मुख्तलिफ तरीकों से मदद करते हैं, कि प्यारा खुदावन खुदा उनकी खिदमत को कबूल करें और उनके घरानों को हमेशा आबाद रखें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन उन तमाम बच्चों को याद करते हैं, उन जोड़ों को जिनके पास औलाद नहीं है,
कि प्यारा खुदा खुदा उन तमाम जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे और खुदा खुदा खास फजल उन्हें अता करें। अजीज इस नेक मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा से दुआ करें कि कलीसिया को बड़ी वफादारी ताबेदारी से साबित कदम रहे के सच्चे शागिर्द बनने का गहरा फजल अता करें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं पापा आजम कायदा बिशप साहिबान और कायदों के लिए कि इसी तरह शागिर्दियत के तकाजों को पूरा करते हुए अपनी खिदमत में साबित कदम रहे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें ज्यारत मुकद्दसा मरियम के 3 रोज़ा इबादत के लिए जो आने वाले दिनों में होने वाली है कि प्यारा खुदाम इसके जरिए अपना जलाल जाहिर करे। अज़ीज़ दुआ करें। दुआ करें जड़ावाला के मोमिनीन की मुश्किलात के लिए कि प्यारा खुदाम बहाली के तमाम कामों में उनकी मदद करे और वो अपने खानदानों में खुशहाल जिंदगी बसर करें। अज़ीज़ दुआ करें। दुआ करें अपने मुल्क और शहर की सलामती और अमन के लिए कि सलामती का शहजादा हमारे मुल्क और शहर खासकर इस खिते में हमेशा अमन और सलामती को कायम रखे। अज़ीज दुआ करें। हमारे खुदा से दुआएं तेरे हुजूर पेश की हैं। काफ़ी मादा दुआएं हमारे दिलों में मौजूद हैं, लोगों पर नहीं आ सकें। बस सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। तशरीफ रखे नजराने के लिए। निशान के तौर पर इससे होता है वो तेरी मौसर कुदरत से कामलियत पाए मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें।
वो मेहरबान होकर और गुमराह इंसान पर तरस खाकर कुंवारी माँ से पैदा हुआ। उसने सलीब पर दुख उठाकर हमें अबदी मौत से बचाया और मुर्दों में से जिंदा होकर हमें हमेशा की जिंदगी अता की। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावन्द लशों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमी बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन्द के नाम से आता है। आलमी बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू आके कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावन्द यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और जान का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें इस लायक समझा के तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, आपने कलीसिया को याद कर साथ हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवन की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस्लाम में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतनी खुदा बाप को रूल कुदुस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताजीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक, आमीन। आइए हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, खुदा हम तुझसे मेहनत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाए, दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावन्द यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती तहत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है, आमीन। खुदावन्द यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें।
ऐ खुदा के बर्रे अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। इसी का बदन खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। ऐ खुदावंद, तेरी वो मेहरबानी किस कदर अजीम है जो तूने अपने डरने वालों के लिए रख छोड़ी है। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद, हमारे खुदा तुझसे इल्तजा करते हैं, अनायत कर कि हम आसमानी ज़ियाफ़त की रोटी खाकर मोहब्बत की इस ग़िज़ा के असर से दिल के इस कदर मजबूत हो जाएं कि अपने भाइयों और बहनों में तेरी खिदमत करने पर बिल्कुल तैयार रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़िल हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी के साथ जाएं। खुदावंद का शुक्र।